इस वीडियो में हम लोग जीपी का सम देखेंगे। अगर बहुत सारे टर्म्स हमारे जीपी में हैं तो उनका सम कैसे निकालते हैं। सपोज़ हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल सीरीज़ है वो 1 + 2 + 4 + 8 + 16। मान लीजिए एक फाइनाइट जीपी हम लेते हैं जिसमें जिसका कॉमन रेशियो आपका क्या है, 2 है, क्योंकि हर अगला टर्म किससे मल्टीप्लाई होके मिल रहा है, 2 से मल्टीप्लाई होके मिल रहा है। अगर 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 2 का अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें 2 मिलेगा। इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 8, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो 16 मिलेगा। तो ये कंफर्म करता है कि जो नंबर्स दिए गए हैं 1, 2, 4, 8 और 16, दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनका सम कैसे निकाल, एक तो तरीका ये है कि हम सिंपल ऐड कर लें, 1 + 2 = 3 हो गया, 3 + 4 = 7 हो गया, 7 और 8 = 15 हो गया, और 15 और 16 ये हो गया 31। लेकिन ये एक रूरल तरीका है। हम लोग इसको थोड़ा जैसे एपी में सम हम लोग निकालते थे, उस यहाँ पे थोड़ा सा अलग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसमें एस को हम फिर से लिखते हैं, लेकिन इस बार जो हमारा ये कॉमन रेशियो है 2, ठीक है, कॉमन रेशियो 2 आर, हम आर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो हमने कॉमन रेशियो आर मतलब आर इक्व टू 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 बिकम जो आपका 1 है ये 1 बिकम 2, ठीक है, 1 बिकम 2। अब हमने एक टर्म शिफ्ट भी कर दिया है, तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया, साथ में एक टर्म शिफ्ट किया है 2 में। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम 4, ठीक है, और जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो क्या आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। 8 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन क्या आने वाला है आपका, 16 आने वाला है, और अभी तो 16 बचा ही है। 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 32। तो हमने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में हमने जो कॉमन रेशियो r था, r से मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई किया, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो आपका टर्म्स हैं, नेक्स्ट टर्म है वो अपीयर होने लगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हो, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज कर देंगे हम। पहले तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, दैट आल्सो बी माइनस, सारे के सारे हम लोग टर्म का साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि सब प्लस है तो सब आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे ये 2 प्लस का माइनस का 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या आपका, यहाँ से आप देखो तो ये आपका s माइनस 2s है, ठीक है, और इधर क्या हुआ आपका, इधर ये आपका 1 बचा, 1 एंड, और इधर से आपका क्या बचा, माइनस 32, ठीक है, और सारा आपका कैंसिल हो चुका है, तो ये आपका माइनस 32 बचा है। यहाँ से s कॉमन कर लीजिए, जब s कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और माइनस का 2, और इस साइड में आपका क्या आने वाला है, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 31। ये चीज़ क्या आ गई आपकी, 1 - 2 - 1, s दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 31। तो माइनस 1 से डिवाइड कर दिया जाए, जब माइनस 1 से दोनों साइड में डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आपको s निकालना है, ठीक है, ना कि माइनस s, तो ये माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आपका s कितना आ गया, योर s कम्स आउट टू बी 31। ओके, तो ये जो टेक्निक है, अगर मान लीजिए ये तो इंक्रीजिंग जीपी थी, ये इंक्रीजिंग जीपी थी, क्योंकि कॉमन रेशियो जो था आपका 2 था। अगर हम लोग कोई ऐसी जीपी कंसीडर करें जिसमें टर्म्स रिड्यूस हो रहे हों, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें आदमी अपने घर को अप्रोच कर रहा था, और पहली बार में वो कितना चल रहा था, 4 मीटर चल रहा था, ठीक है, देन नेक्स्ट जो उसका डिस्टेंस
कवर्ड था वो इसका हाफ था, दैट मीन्स टू, देन वन, देन वन बाई टू, ठीक है। तो अगर हमें ये सब निकालना, नेक्स्ट वन बाई फोर हो गया, ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा। मान लीजिए हमें इतने टर्म का सम निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज़ इसे ऐसे ज़ूम करोगे। अब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कॉमन रेशियो, जब तक कॉमन रेशियो नहीं रहेगा अगले हम किस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अगला स्टेप, ये इक्वेशन नंबर वन हो गई आपकी, और आगे जो आप लिखते हो एस, तो यहाँ आपको कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करना होता है, कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आर है कितना, तो यहाँ देखिए जो नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो रहा है ये हाफ के मल्टीप्लाई करने से प्रोड्यूस हो रहा है प्रीवियस में। अगर फोर में हम हाफ मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट टू, और टू में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट वन, ठीक है, और अगर वन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वी गेट हाफ, एंड हाफ में मल्टीप्लाई कर दें वन बाई टू से तो वी गेट वन बाई फोर। इसका मतलब क्या हुआ कि वन बाई टू इज़ द कॉमन रेशियो, ठीक है। अब हमने इसी आर मतलब वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया अगली इक्वेशन में, तो वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास, आपका जो प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ तो वन बाई टू हो जाएगा। देन आप एक टर्म आप शिफ्ट भी करते हो तो फोर में जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेक्स्ट टर्म प्रोड्यूस हो जाएगा अपने आप, फोर इंटू हाफ दैट बिकम टू, फिर आपका टू में हाफ से मल्टीप्लाई करोगे वन आ जाएगा, ठीक है, और वन में मल्टीप्लाई करोगे हाफ से तो हाफ आ जाएगा, फिर वन बाई फोर आ जाएगा, देन वन बाई फोर में जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो वन बाई एट आ जाएगा। तो ये आपके देर आर फाइव टर्म्स, आपके पास यहाँ पे पांच टर्म थे, फोर में जब आपने मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम टू, टू में जब मल्टीप्लाई आपने वन बाई टू से किया इट बिकम वन, वन में जब मल्टीप्लाई आपने किया हाफ से तो इट बिकम वन बाई टू, जब इसमें मल्टीप्लाई किया हाफ से तो इट बिकम वन बाई फोर, और जब वन बाई फोर मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम वन बाई एट। तो ये जो जितने टर्म ऊपर थे वो अपने एक न्यू टर्म प्रोड्यूस किए जो हाफ टाइम्स थे। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते थे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। ऐसा करने पे क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका माइनस वन बाई एट बचा, और यहाँ से आपका क्या बचा, फोर बचा, ठीक है। तो फोर माइनस वन बाई एट, और इधर से एस कॉमन करोगे तो आपका क्या बचेगा, वन माइनस वन बाई टू दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए तो टू वन जा टू और माइनस वन, ठीक है, दैट इज वन बाई टू एस, मतलब वन से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, है ना। ये हो गया आपका डिनोमिनेटर, इसका वन है तो एट फोर जा थर्टी टू और माइनस वन थर्टी वन, तो थर्टी वन बाई आपका एट हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे टू ऊपर आएगा आपका, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एस, एस इक्वल्स टू थर्टी वन अपॉन एट मल्टीप्लाई बाई टू, टू फोर जा एट, तो आंसर आपका कितना आ गया, थर्टी वन बाई फोर, ठीक है। तो ये जीपी के अगर हमारे फाइनाइट टर्म्स हैं या जीपी है तो हम उनका सम निकाल सकते हैं। तो इन जनरल देखते हैं कि अगर जनरल हमारे पास जीपी हो तब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सपोज़ जो हमारी जीपी है एस, जो एन टर्म की जीपी है ना, तो हमने कहा कि उसका जो पहला टर्म है सपोज़ वो ए है, जो दूसरा टर्म है वो आर से मल्टीप्लाई करके मिल रहा है क्योंकि आर कॉमन रेशियो होता है ए आर, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका ए आर क्यूब हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए आर की पावर थ्री हो, ए आर की पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज़ हमें बनानी है, सीरीज़ का मतलब होता है सारे टर्म क्या हों, एडअप हों, मतलब सम में लिखे गए हों। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर हम लोग किसी टेंथ टर्म की बात करें तो टेंथ टर्म क्या होने वाला है, ए आर टू द पावर नाइन, ठीक है। देन अगर आप किसी nth
टर्म की बात करो, nth टर्म की बात, तो nth टर्म की बात करें अगर हम लोग, तो ए आर की पावर एन माइनस वन होगा। अच्छा, इसके एक जस्ट पहले कौन सा टर्म होगा, तो ओनली एक आर कम होगा, ठीक है, क्योंकि आर का मल्टीप्लाई करके मिला है ये, तो ए आर की पावर एन माइनस टू हो जाएगा। सपोज दैट इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ अब हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो आर है, तो हम अगला टर्म क्या लिखते हैं, आर से मल्टीप्लाई करके। जब आर से मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो ये आर एस हो जाएगा। चलिए एस एन को हटा देते हैं, सम एस कहते हैं एन टर्म को, तो आर इंटू एस। और एक काम और करते थे हम लोग, एक शिफ्ट करके लिखते थे, ठीक है, शिफ्ट करके, तो ए बिकम ए आर। तो इसमें भी वही होने वाला है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर फोर, एन प्लस डॉट 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 डॉट, एंड दिस बिकम, जो ये है ये क्या बन जाएगा आपका, आर का मल्टीप्लाई करने के बाद ए आर की पावर एन माइनस वन, अपना नेक्स्ट वाला बन जाता है। और ये क्या बन जाएगा आपका, दैट बिकम एन माइनस वन, और एक और आर मल्टीप्लाई होता है तो ये वन गायब हो जाएगा, ए आर की पावर एन हो जाएगा। सपोज दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। और जब सबट्रैक्ट करोगे तो पहले को छोड़ के और आखिरी को छोड़ के सारे टर्म्स क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपका बच जाएगा, और बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एवरीथिंग इज कैंसल्ड आउट। तो बचा क्या आपका, यहाँ से ए बचा, और इस साइड से आपका माइनस ए आर की पावर एन बचा, माइनस ए आर टू द पावर एन। अब यहाँ से एस कॉमन करोगे तो यहाँ से आपका क्या बच जाएगा, ये वन बच जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का आर, तो माइनस आर, वन माइनस आर। अब क्या वन माइनस आर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, क्या हम लोग वन माइनस आर से डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू, वन माइनस आर अगर किसी भी क्वांटिटी से हम डिवाइड करते हैं तो हमें इंश्योर होना पड़ता है कि वो कहीं जीरो तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि जीरो से डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, जीरो से डिवीज़न डिफाइंड नहीं किया गया है मैथ में। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ के बाद फर्दर स्टेप तभी लेंगे इफ़ वन माइनस आर जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया तो हम दोनों साइड में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एज्यूम कर लिया है कि ये जीरो नहीं है। अगर जीरो नहीं है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि आर की वैल्यू वन नहीं है, तभी हम डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर दिया फिर, तो वन माइनस आर अपॉन वन माइनस आर दैट इज इक्वल्स टू, इधर से ए कॉमन कर लेते हैं तो इट बिकम वन माइनस आर टू द पावर एन। तो हमने क्या कहा था, दोनों तरफ वन माइनस आर से डिवाइड करना है, क्योंकि वन माइनस आर जीरो आपका नहीं है, तो यहाँ से आपका वन माइनस आर कैंसिल हो गया, यहाँ ऐसे ही रहेगा। तो आपका फॉर्मूला आ गया एस इक्वल्स टू ए टाइम्स वन माइनस आर टू द पावर एन होल अपॉन वन माइनस आर। ये जीपी के एन टर्म का सम है, लेकिन तब है जब आर की वैल्यू वन नहीं होगी। अब किसी ने कहा कि आर की वैल्यू वन अगर हो गई तब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं। सपोज आर इक्वल्स टू वन, अगर आर वन हो जाता है तो जो हमारा सम एस हो जाएगा, ठीक है, ये पहला टर्म क्या बन जाएगा आपका, वो तो वही रहेगा, दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, ए इंटू आर, और आर आप क्या मान रहे हो, वन मान रहे हो, तो ए इंटू वन ये भी आपका ए बन जाना है। नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाला है आपका, यहाँ से ए आर स्क्वायर है, ए आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ए इंटू वन का स्क्वायर, मतलब ए इंटू वन का स्क्वायर, और वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, वन की कोई भी पावर हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वन आपस में कितनी बार भी मल्टीप्लाई हो वन ही आता है। तो यहाँ पे आपका
ए ये भी आएगा, इसका मतलब सारे के सारे टर्म जितने एन टर्म थे आपके, ठीक है, जितने एन टर्म थे वो सब के सब ए में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये ए कितने टाइम्स है, दैट इज एन टाइम्स, एन टाइम्स। इसका मतलब ए को एन बार ऐड करने से अच्छा है कि एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए ए में, तो सम आपका क्या हो जाएगा, एन इंटू ए हो जाएगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब आर वन होगा, और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब आर वन नहीं होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला की वैलिडेशन आर नॉट इक्वल्स टू वन के लिए है, चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आर वन नहीं होना चाहिए। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, ये आर इक्वल्स टू वन के लिए, ओनली आर इक्वल्स टू वन के लिए फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे हमारे, उन क्वेश्चंस को हम लोग फॉर्मूले से करते हैं। हमारा सम क्या था, एस इक्वल्स टू वन प्लस टू प्लस फोर प्लस एट और प्लस 16। तो यहाँ हमें अगर इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, सपोज़ ये इक्वेशन नंबर हमारी, या इक्वेशन हम नहीं अज्यूम करते हैं, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म क्या है, आपका फर्स्ट टर्म है वन, कॉमन रेशियो आपका क्या है, कॉमन रेशियो होता है ए टू बाई ए वन, ए टू बाई ए वन मतलब ए टू आपका क्या है, टू है, तो ए टू आपका टू हो गया, और ए वन क्या है आपका है, वन है, तो टू बाई वन मतलब टू आ गया। और नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव, तो नंबर ऑफ टर्म आपके पास फाइव हो गए। क्या आर वन है, आर नॉट इक्वल्स टू वन साफ साफ दिख रहा है, इसका मतलब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एस इक्वल्स टू ए टाइम्स वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ए की वैल्यू वन है, वन माइनस आर, आर मतलब आपका टू हो गया, और टू की पावर एन मतलब फाइव हो गया, अपॉन वन माइनस टू, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, वन माइनस टू टू द पावर फाइव 32 होता है, होल अपॉन माइनस वन, ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस 31 अपॉन माइनस वन, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, 31, जो सिंपल ऐसे भी ऐड करने पे आ रहा था, जो हम लोगों ने टेक्निक लगाई थी, ठीक है, एक टर्म शिफ्ट करके कॉमन रेशियो से बढ़ाई, वैसे भी आ रहा था, अब ये फॉर्मूले को अप्लाई करने पे भी आ रहा है। तो अब से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई किया करेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म थे ये एन टर्म का सम होता है, ठीक है, तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये फाइव टर्म का सम है,